नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। हमारे साथ आज चार मेहमान हैं। भाविक पटेल है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, दिव्या गगलानी है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और जिगर त्रिवेदी है रिलायंस सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ ग्वार के एक्सपर्ट और ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर आएंगे पुखराज चोपड़ा राजस्थान से, जिनसे हम जानेंगे कि ग्वार में जिस तरह की तेजी चल रही है, आगे किस तरह का माहौल बन रहा है और आगे क्या हो सकता है। चलिए, लेकिन सबसे पहले आज देख लेते हैं टॉप 10 खबरों पर नजर डाल लेते हैं कि कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की बात करें, गोल्ड कल रिकॉर्ड के बेहद करीब 16 रुपए से चूक गया रिकॉर्ड बनाने से, लेकिन अभी भी 56,000 के करीब बना हुआ है, बहुत दूर नहीं है। 200-300 रुपए की तेजी और चाहिए गोल्ड को नया हाई बनाने में, लेकिन आज अभी तक सुस्ती दिख रही। देखते हैं सेकेंड हाफ कैसा रहता है। शाम के सत्र में उम्मीद करनी चाहिए कि गोल्ड वापस से नया हाई बनाए। चांदी कल शाम के सत्र में मुनाफा वसूली दिखी, ऊपरी स्तरों से काफी चांदी टूट गई और आज भी करीब करीब 400 रुपए की गिरावट दिख रही है। कच्चा तेल कल रिकवरी की कोशिश हो रही थी, पिछले हफ्ते 8% तक दाम गिर गए थे, लेकिन आज फिर से दबाव है, $79 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव आ गया। नेचुरल गैस कल शानदार तेजी और आज भारी बिकवाली दिख रही है, 320 रुपए के नीचे फिसल गए हैं MCX पर नेचुरल गैस के दाम। कॉपर मामूली कमजोरी, कल अच्छी तेजी दिखी थी 750 के आसपास, कल सारी बेस मेटल्स में खरीदारी थी और लेकिन आज सारे बेस मेटल्स दायरे में कारोबार कर रहे हैं। एग्री में मेंथा, जहां पर मजबूत मांग के दम पर अब तेजी दिख रही है, 1075 के ऊपर अब मेंथा ऑयल पहुंच चुका है MCX पर। हल्दी 1% से ज्यादा गिरावट दिखा रहा है, 7900 के नीचे। जीरा 1.5% से ज्यादा गिरकर 35,000 के नीचे आ गया। कल हमने रिकॉर्ड बनते देखा था जीरा वायदा में। धनिया यहां पर भी बिकवाली है, 8100 के नीचे अब धनिया का वायदा आ गया है। कैस्टर की बात करें तो यहां पर 0.5% से ज्यादा की कमजोरी दिख रही है, 7150 रुपए के आसपास कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। चलिए, कुछ बात हो गई टॉप 10 खबरों की, लेकिन आज आपको गोल्ड में क्या करना है। सबसे पहले जिगर, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड टेक्निकली आपको दिख रहा है क्या आज इंट्राडे में या शाम के सत्र तक गोल्ड नया हाई बना देगा क्या? जिगर से वापस से हम उनके पास जाएंगे, उससे पहले भाविक आपको टेक्निकली क्या लग रहा है, क्या गोल्ड 56,191 जो हमने अगस्त 2020 में जो नया हाई देखा था, क्या उस हाई तक आज जाता दिख रहा है क्या चार्ट पर आपको गोल्ड? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, जून 2022 में भी हमने देखा था कि 1881 के अराउंड हाई बनाया था और उसके वहां से ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया था, और आज भी अगर देखें कल भी तो 1880 के करीब एक रेजिस्टेंस जरूर से है। और थर्सडे को जो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है वो वहां से भी थोड़ा आगे ट्रिगर मिल सकता है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस जरूर से रहना चाहिए। अगर हाई भी नहीं बनाता तो फिर कभी भी प्रॉफिट बुकिंग की थोड़ी संभावना ज्यादा लग रही है, तो जो भी इंट्राडे पोजीशन रखे तो वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से रखे। आज के दिन मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 56,100 अपसाइड देख सकते हैं, तो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 55,770 के करीब आता है, तो बाय कर सकते हैं 55,600 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 56,100 का, क्योंकि ऑलरेडी अच्छा रनअप आ चुका है और इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है, तो थोड़ा यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। आपका भी गोल्ड और सिल्वर पर क्या राय दे रहे हैं, कहाँ पे ट्रेडिंग की सलाह दे रहे हैं, किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए आज? दिव्या गगलानी, आपसे मेरे सवाल था गोल्ड और सिल्वर में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज के दिन में। गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। कल हमने जैसे ही देखा कि गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी रैली आई पर प्राइसेस जो है ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। फेड ऑफिशियल ने एक सिग्नल दिया है कि इंटरेस्ट रेट जो है 5% के ऊपर वाले रखेंगे, तो उसके वजह से एक सेल ऑफ देखने मिला। आज भी हमें शाम को फेड चेयरमैन की स्पीच है, तो उससे भी हमें फर्दर क्यूज मिलेंगे कि फेड ऑफिशियल क्या स्टांस लेंगे, हॉकिश रहेंगे कि डविश रहेंगे। पर ओवरऑल ट्रेंड अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो अभी भी बुलिश ही है। हमें बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर 50,700 के आसपास आता है तो वहाँ पे बाय करके चले स्टॉप लॉस हम 55,700 के आसपास बाय करके चले स्टॉप लॉस हम 55,500 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 55,950 का रख सकते हैं। और सिल्वर भी हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं 68,200 के अराउंड, स्टॉप लॉस हम 67,800 का मेंटेन करें और टारगेट हम ऊपर में 69,000 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Okay, भाविक, चांदी में आपका व्यू, आपको भी लग रहा है खरीदारी करके जाना चाहिए आज जो गिरावट आई है 400 रुपए की, यहाँ पर खरीद ले?
चांदी में मुझे लग रहा है कि गोल्ड ज़्यादा बेहतर लग रहा है चांदी से, तो चांदी में मेरा अपसेट जो टारगेट है वो बहुत लिमिटेड रहेगा। आज के दिन 69,100 का ही टारगेट रहेगा, तो यहीं से मैं रिकमेंड करूंगा कि बाय कर सकते हैं 69,100 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 68,350 का। बट अगर गोल्ड और सिल्वर दोनों में से इंट्राडे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी तो मेरी गोल्ड पे ज़्यादा रहेगी। अब क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चा तेल पिछले हफ्ते की तेज गिरावट के बाद इस हफ्ते कल पहले दिन रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन वो रिकवरी टिकाऊ नहीं दिख रही है। दिव्या, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल में? क्या सलाह है टेक्निकली, और ऑप्शंस में कोई रणनीति है क्या क्रूड में? विश्वमणि, क्रूड ऑयल में जैसे कि हमने देखा कि लास्ट वीक ऑलमोस्ट 6.5% डाउन था नाइमेक्स के अंदर। येस्टरडे एक रिकवरी की ट्राई हो की पर ऐसा हुआ नहीं, पर अभी भी 6,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है टेक्निकली, और चाइना में भी ओपनिंग अप का जो न्यूज आ रहा है तो उसके वजह से एक सपोर्ट मिलेगा प्राइसेस को। हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं ऑप्शन में। 6,200 का जो कॉल ऑप्शन है वो 110 के अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 80 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 150 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नहीं 6,200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस आप खरीद सकते हैं। आपको भी लग रहा है कि कॉल खरीद कर ही जाना चाहिए भाविक? नहीं विष्णु, मुझे मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल होगा क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा कि 8% की गिरावट आई है और कल थोड़ा बहुत जो बाउंस बैक आया था वो वही एक्सपेक्टेशन के चाइना रीओपन हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा ऑप्टिमिज्म डिमांड बढ़ेगा। बट फॉलो अप बाइंग जो हमें नहीं दिख रहा है और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट नीचे 6,080 तक आ सकता है। 6,000 का एक अच्छा सपोर्ट जरूर है, तो मेरी आज की राय रहेगी कि क्रूड में जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा उछाल आता है 6,200 पे, तो बेच के जा सकते हैं 6,080 के टारगेट से और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6,260 का। ओके, चलिए अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। काफी वॉलेटाइल काउंटर है। कल लंबी गिरावट के बाद, बड़ी गिरावट के बाद कल अच्छी तेजी दिखी थी, शानदार रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन अब वापस से उस तरह की गिरावट दिख रही है। 6% तक दाम गिर चुके हैं। भाभी, क्या हो रहा है नेचुरल गैस में, क्या करना चाहिए यहां पर? देखिए, नेचुरल गैस में अगर वेदर देखे तो इनफैक्ट ये जनवरी का यूएस और यूरोप में सबसे गर्म है नियरली 2 डिकेड में। और अगर वेदर फोरकास्ट देखे तो आई थिंक 23 से 27 जनवरी अभी लग रहा है कि थोड़ी ठंडी आ सकती है। 1 फरवरी में ठंडी आ रही है तो उसकी वजह से हमने थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखा। बट अभी भी अगर प्रोडक्शन देखे तो 100 मिलियन क्यूबिक फीट जो नियरली रिकॉर्ड प्रोडक्शन है तो उसकी वजह से प्राइसेस अपसाइड सस्टेन नहीं हो रहा है। आई थिंक अगर आगे जाके भी वेदर फोरकास्ट ठंडी का दिखा रहा है आफ्टर 27 जनवरी तो हमें जरूर से अपसाइड देखने को मिलेगा। अभी 300 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है तो मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा डिप आता है 315 312 के आसपास तो 300 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं पोजिशनल 1 से 2 दिन के लिए और टारगेट वापस से रख सकते हैं 345 350 का। 300 के स्टॉप लॉस के साथ 312 के आसपास आप खरीदारी की सलाह भाभी की तरफ से आ रही है नेचुरल गैस में, क्योंकि जिस तरह की गिरावट दिखी है हो सकता है यहाँ से रिकवरी की उम्मीद करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी और दोनों साइड में दिख रही है इसलिए इस तरह की कॉल दी जा रही है। लेकिन जिस तरह का वॉलेटाइल काउंटर है, क्या ऐसे में ऑप्शन में जाना चाहिए? दिव्या, आपके पास कोई ऑप्शन की रणनीति है क्या नेचुरल गैस के ट्रेडर्स के लिए? नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो लास्ट वीक तो हमें एक बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने मिला था, ऑलमोस्ट 16% डाउन था नाइमेक्स के अंदर। यस्टरडे एक रिकवरी आई प्राइसेस में क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड था, ओवरसोल्ड सैटरडे टाइम में प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे। जैसे कि भाविक ने इंडिकेट किया कि वेदर तो जो फोरकास्ट है अभी भी हार्श ही है, पर आगे जाके थोड़ी सी ठंडी हो सकती है तो उसके वजह से प्राइसेस को एक सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा भी जो ट्रेड है वो बाय ऑन डिप्स का रहेगा नेचुरल गैस में। 330 का जो कॉल ऑप्शन है वो 16 के आसपास आता है तो वहाँ पे बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 13 का रखें और टारगेट हम ऊपर में 20 का मेंटेन कर सकते हैं। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। 330 की स्ट्राइक की नेचुरल गैस की अगर कॉल में आप ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हैं। दोनों को ही जानकारों को लग रहा है कि नेचुरल गैस में तेजी आएगी, लेकिन स्टॉप लॉस दोनों चाहे ऑप्शंस भी ले रहे हो तो भी स्टॉप लॉस का ध्यान रखें, जीरो हो जाएगा, नुकसान तो नुकसान ही होता है। और फ्यूचर्स के लिए 300 का तो स्टॉप लॉस भाविक ने बताया ही है। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। कल अच्छी तेजी दिखी थी दिव्या, लेकिन आज बहुत ही दायरे में कारोबार हो रहा है। क्या सेकेंड हाफ में उम्मीद करें आज की वापस से एक्शन आएगा, और किस तरफ का एक्शन आएगा, और क्या ट्रेड लेना चाहिए, कोई टॉपिक आज के लिए? विश्वमोहन जी, अगर हमने देखा कि बेस मेटल में पहली बार एक स्ट्रॉन्ग रैली आया सारे के सारे मेजर कॉमोडिटीज में, जैसे कि बेस एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर में ऑलमोस्ट सब 3 से 4% ऊपर थे, तो जो ट्रेंड है अभी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है टेक्निकली। अभी कोई भी करेक्शन आता है तो हम बाय ऑन डिप्स ही करना चाहिए। कॉपर 748 के अराउंड बाय करके चले, स्टॉप लॉस हम 744 का रखें, टारगेट हम 753 का एक्सपेक्ट करें।
और जिंक में भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने मिला था येस्टरडे, तो मुझे लगता है कि ये वीक भी मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। उसमें भी बाय ऑन डिप्स करें, 279.50 का अराउंड बाई करें, स्टॉप लॉस हम 278 का मेंटेन करें और टारगेट हम 281.50 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में, क्या सलाह है आज के लिए और कौन से ऐसे टॉप ट्रेड होंगे जहां पर पैसे बन सकते हैं, क्योंकि शाम के सत्र में आमतौर पर एक्शन बढ़ जाता है मेटल में, तो कोई टॉप ट्रेड बताइए जहां पर अभी मौका है एंट्री का, क्योंकि अभी सुस्त चाल है। जी मुझे जिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर 2023 के एंटर में हम देखें तो एलएमई में आई थिंक नियरली 25 ईयर्स में सबसे कम है, तो और यहाँ से शॉर्ट स्क्वीज भी हो सकते हैं। कल एक न्यूज़ भी आया है कि बीजिंग जो है वो अपने प्रॉपर्टी सेक्टर को सपोर्ट कर रहा है, कि जहाँ पे वो काफ़ी फर्म्स को लेवरेज ऐड करने के लिए और बोरोइंग कैप्स ईज करेंगे और ग्रेस पीरियड जो डेट टारगेट्स के लिए वो भी थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, तो इसकी वजह से हम चौतरफा कल बेस मेटल्स में रैली देखने को मिली है और आई थिंक आज के दिन भी कंटिन्यू रहेगी। जिंक मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो जनवरी में थोड़ा डिप आता है 1 रुपये नीचे 279 के करीब, तो बाय कर सकते हैं 283 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 277 का। ओके चलिए अब एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। एग्री मार्केट में मसालों की बात करें, उससे पहले ग्वार सीड और ग्वार गम इसकी चाल पर देखिए, कल 6% का ऊपरी सर्किट देखने को मिला था, 13,000 के ऊपर ग्वार गम का वायदा आ चुका है। हालांकि आज ग्वार सीड की तेजी टिकती नहीं दिख रही है, शुरुआती तेजी दिख रही थी करीब करीब 1% की, वहां से ही हल्का हो चुका है, हल्की गिरावट दिख रही है, लेकिन ग्वार गम अभी भी तेजी दिखा रहा है, 1.5% फिलहाल ऊपर है, जनवरी का वायदा 13,500 के ऊपर। ग्वार पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने एग्री एक्सपर्ट और ग्वार से ग्राउंड की रिपोर्ट ग्वार को लेकर बताने के लिए पुखराज चोपड़ा साहब हैं। सर क्या लग रहा है ग्वार की तेजी, क्या आपको ये टिकाऊ दिख रही है, जिस तरह की तेजी हमने कल 6% का ऊपरी सर्किट देखा, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी दिख रही है, ग्राउंड में क्या हो रहा है और जिनके पास स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है मौजूदा स्तरों पर? जैसे ही ये खबर आई कि दिसंबर में भी 26,000 टन का निर्यात हुआ है गम का, वैसे ही इसके अंदर तेजी का काम शुरू हो गया। पहले हम मानते थे कि दिसंबर में गम का एक्सपोर्ट कम होगा, पर कम न होके ये अक्टूबर और नवंबर में जिस तरह से निर्यात हुआ उसी तरह से दिसंबर में निर्यात हुआ, जो कि उत्साहित करने वाला है, क्योंकि इससे ऐसा लगने लगा कि जनवरी में दिसंबर से ज्यादा जाएगा और फरवरी में भी ज्यादा जाएगा। तो पहला कारण तो ये रहा इस तेजी का कि एक्सपोर्ट के अंदर डाटा ठीक आया है, निर्यात ठीक हुआ है। दूसरा, जैसे ही एक्सपोर्ट के डाटा आए स्टॉकिस्ट भी सक्रिय हो गए और स्टॉकिस्ट सक्रिय होने के बाद के अंदर इसके अंदर फास्ट तेजी बनी कल। अब जैसा कि अब आगे के लिए हम सोचते हैं कि ये तेजी जैसे जैसे स्टोकिस्ट इसके अंदर आते जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर तेजी बनती जाएगी और ये बाजार ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे की संभावना बहुत कम है। विश्वमोहन जी, ट्रेंड क्या रहेगा, क्या आपको लग रहा है 15,000 के ऊपर भी ग्वारगम जल्द ही दिखा सकता है और उसका टाइम फ्रेम क्या होगा? जी देखिए, टाइम फ्रेम की बात तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये गम के भाव भी अच्छे रहेंगे, 15,000 के ऊपर या 16,000 के ऊपर या 17,000 के ऊपर दिखा सकता है और गवार के भाव भी उसी तरह से 7,000 और 7,000 से ऊपर दिखा सकता है, क्योंकि जैसा अभी देखने में आ रहा है जिस तरह से अभी स्टोकिस्ट सक्रिय है उससे लगता है कि इसके भाव बढ़ेंगे। हाँ बीच में छोटी गड़बड़ आती रहेगी, जैसे मुनाफा वसूली हो कहीं, जैसे इसको स्टॉकिस्ट में थोड़ी बहुत नफा करने की प्रवृत्ति हो उस जगह पे थोड़ी बहुत घटाबड़ी आती रहेगी, पर ऑन दी ऑल ये मार्केट अच्छा लग रहा है, सॉलिड लग रहा है, मार्केट सॉलिड लग रहा है, स्टॉकिस्ट की लिवाली बढ़ गई है, एक्सपोर्ट के जो अब तक के नंबर आ रहे हैं वो काफी एनकरेजिंग है, उसका फायदा यहाँ पर मिल रहा है। सर अब आखिरी सवाल होगा उत्पादन को लेकर, क्या लग रहा है उत्पादन के नंबर पे कुछ क्लैरिटी धीरे धीरे आ रही जैसे जैसे समय हो रहा है, क्या उत्पादन के जो पुराने अनुमान आप लोगों के थे क्या उसी अनुमान पर अभी भी आप कायम है क्या सर? जी जी 2 अक्टूबर की सेमिनार में जो डाटा निकल के आए थे सामने 1 करोड़ बोरी के, हम उस पे कायम है और लगभग वही फसल होगी, क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ जिससे फसल को रिवाइज करना पड़े, इसलिए फसल को तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ग्वार ऐसी कॉमोडिटी है जो किसानों के पास बहुत अधिक संख्या में रहती है और आज भी किसानों के पास नई फसल का माल भी रुका हुआ है, पुराना भी रुका हुआ है और वो रोक भी रहे हैं,
तो ये प्रवृत्ति ग्वार में होने की एक वजह है कि बहुत सालों तक ये कॉमोडिटी खराब नहीं होती और किसान पहले मूंगफली है, मूंग है, इस तरह की फसलें है, नरमा है, कपास है, इस तरह की फसलें बेचता है, ग्वार की फसल को रोक के रखता है। तो ये ग्वार जो फसल है उसमें कोई संदेह नहीं है, फसल तो 1 करोड़ बोरी की ही होगी। शुक्रिया चोपड़ा साहब, आपने वक्त निकाला और बताया कि क्या फसल को लेकर क्या स्थिति है, किस तरह का उत्पादन रह सकता है, पुराने अनुमान पर ही कायम है और साथ ही एक्सपोर्ट के नंबर बेहतर आ रहे हैं, साथ ही स्टॉकिस्ट की लिवाली है, इस वजह से ये तेजी बरकरार रहने की उम्मीद है। हो सकते हैं छोटे मोटे करेक्शन आपको देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म और जो ब्रॉडर ट्रेंड है वो अभी भी तेजी का इंटैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मसाले की बात कर लेते हैं, क्योंकि मसालों में जीरा लगातार नया रिकॉर्ड बनाने के बाद अब ऊपरी स्तरों पर हल्की थकावट यहां पर दिख रही है, 35,000 के नीचे आज है, 1.5% नीचे है। मसालों में क्या करना चाहिए भाभी, क्या सलाह है आपकी और टॉपिक क्या होगी आज के लिए? देखिए मसाले में अगर इंट्राडे के पर्पस है तो आई थिंक जीरा में थोड़ा बेच के चल सकते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी रैली के बाद हालांकि फंडामेंटल अभी भी स्ट्रॉन्ग है बट कहीं ना कहीं एक करेक्शन ड्यू एक्सपेक्टेड है और लग रहा है कि आज के दिन वो करेक्शन आ सकता है, तो यहीं से एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं 37,000 के स्टॉप लॉस से और टारगेट नीचे रख सकते हैं 35,800 का। और मुझे लग रहा है कि ज्यादा हमें करेक्शन देखने को नहीं मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा अगर देखें तो 34,000 के करीब अगर जीरा आता है तो वापस किसी को पोजिशनली लॉन्ग करना है तो वहां से कर सकते हैं, बट इंट्राडे 37,000 के स्टॉप लॉस से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। और ग्वार की आपकी कॉल क्या होगी इंट्राडे के लिए भाविक? देखिए गुरुवार में कल हमने सर्किट के बाद देखा है कि आज थोड़ा बहुत नफा वसूली आ रहा है, तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि नीचे वापस 6,300 के करीब आ सकता है, तो वहां से एक बार वापस लॉन्ग कर सकते हैं 6,450 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6,250 का। अभी भी गुरुवार अगर देखें तो एक ब्रेकआउट उसने दे दिया है, तो यहां से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 66 से 66.50 के टारगेट आ सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गुरुवार में रखनी चाहिए। शुक्रिया भाविक आपका, दिव्या गगलानी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लिए। लेकिन चलिए अब वक्त हो गया है फार्मर सेगमेंट का, जिसमें हम किसानों का के हालचाल और ग्राउंड की रिपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई